में यह दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। देश के अनेक पूज्य संत महापुरुषों ने प्रथम दिन से आज तक दर्शन दिए। आज पश्चिमामनाय शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पद को सुशोभित करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का मंगलमय दर्शन भी हुआ और उनका श्रीमद् भागवत के दिव्य रहस्यों का उद्घाटन करते हुए अत्यंत मार्मिक श्रीमद् भागवत प्रवचन भी आशीर्वचन भी हुआ, हम सबको उसका लाभ मिला। परम सिद्ध संत धुनी वाले दादाजी, जिनके एक रहस्य का बोध हमें यहाँ आने के बाद हुआ कि जिन दिव्य महापुरुष का हम उत्सव मना रहे हैं उनका पूर्वावतार ही धुनी वाले दादाजी, क्योंकि आपने समाधि प्रवेश के बहुत पहले ही ये रहस्य उद्घाटित कर दिया था कि मैं जब भी आता हूँ संसार में इसी नाम से प्रसिद्ध होता हूँ और अघन शुक्ला त्रयोदशी को ही महाप्रयाण करता हूँ, समाधि लेता हूँ। ये तब कही थी पूज्य स्वामी श्री केशवानंद बापू ने बात, जब वे स्वस्थ शरीर में विराजमान थे और ठीक अघन शुक्ला त्रयोदशी को ही उनका महानिर्वाण हुआ, समाधि में प्रवेश हुआ और माताजी को कहा था उन्होंने कि खंडवा में एक खड्डे में साधु पड़ा है, योग बने तो दर्शन कर लेना। अब किसी भी भगवत स्वरूप शिव स्वरूप सिद्ध संत के लिए कोई भी संत ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, इससे प्रमाणित होता है कि वे अपने लिए ही कह रहे थे, एक साधु खड्डे में है, योग मिले तो दर्शन कर लेना, और योग बना। और माताजी ने अपनी अनुभूति बताई कि प्रथम बार जब खंडवा में धुनी मैया का दर्शन हुआ और श्री धुनी वाले दादाजी की समाधि का दर्शन हुआ, प्रणाम करते ही यह बोध हो गया कि जो मौरवी श्मशान में है वही यहाँ है, दो नहीं है एक ही है, एक ही तत्व है, इसकी अनुभूति हुई। और ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि धुनी वाले दादाजी की परंपरा के पूज्य छोटे सरकार जी यहाँ विराजमान हैं, तो यह भी एक विलक्षण संयोग की बात है। ये भी दादाजी का ही उत्सव हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का ही उत्सव हो रहा है और दादाजी के उत्सव में उनके नाती पोतों को तो उपस्थित होना ही चाहिए। धुनी वाले बड़े दादाजी, उसके बाद छोटे दादाजी हरिहर भोले भगवान जी, उसके बाद श्री बड़े सरकार और उसके बाद छोटे सरकार। तो बड़े दादाजी के परपोता हुए महाराज, तो स्वाभाविक है बड़े दादाजी के उत्सव में इस रूप में बड़े दादाजी का ही उत्सव हो रहा है तो उनकी उपस्थिति होनी ही चाहिए। बड़ी प्रसन्नता हुई छोटे सरकार की उपस्थिति से। ये बात और हम आपको बता दें कि ये दसनामी सन्यासी हैं, ये बात सही है कि नहीं? गिरिनामा पर आपके गुरुदेव ने आपको इसी स्वरूप में रहने की आज्ञा दी, आपने तनिक भी विचार नहीं किया, गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरु जी ने जैसा कहा उसको ज्यों का त्यों आपने मान लिया। और हम तो समझते हैं कि
कि आपका यह स्वरूप आपको छिपाने का कवच हो गया। जल्दी लोग समझ नहीं पाते कि ये भी संत हैं, ये भी महापुरुष हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं स्वरूप देख के, धोती कुर्ता देख के, कोई पंडित जी होंगे, कोई आचार्य जी हैं, कोई पंडित जी हैं। और आपकी भी गुरु निष्ठा बड़ी अद्भुत है। हमें गुरु निष्ठा अत्यंत प्रिय है। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का एक अभंग है, मूल मराठी भाषा में है, लेकिन सद्गुरु महिमा का इतना अद्भुत अभंग है कि हम जितना भी उसके संबंध में कहें वो कम है। पहले अभंग का आशय हम आपको समझा दें, क्योंकि मराठी शब्द समझ में नहीं आएंगे, और वैसे कोई कठिन नहीं है, मराठी शब्द भी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएंगे। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं अभीष्ट की पूर्ति करने वाले बहुत देवी देवता हैं। उपासक के अभीष्ट की पूर्ति, जो वो चाहता उसको पूरा करने वाले बहुत देवी देवता हैं, लेकिन इस अविद्या माया के चक्र से छुड़ाने वाला, संसार चक्र से छुड़ाने वाला, मरने के बाद मुक्ति नहीं जीते जी मुक्ति का अनुभव करा देने वाला यदि कोई तत्व है तो उस तत्व का नाम है सद्गुरु। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मादि देवता ये अपने उपासक के मनोरथ की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन ये उसके संदेह का नाश नहीं करते हैं, संदेह नहीं मिटा सकते हैं। पर सद्गुरु स्वरूप बोध कराकर जीव के संशयों को सदा सर्वदा के लिए सर्वथा समाप्त कर देते हैं। यदि कोई कहे, संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, यदि कोई कहे कि परब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है, तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मेरे विचार से परब्रह्म का साकार साक्षात विग्रह सद्गुरु ही है। सद्गुरु रूप में परब्रह्म ही है। हम लोग रोज बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते, गुरु जी ने कौन सी सृष्टि विस्तार किया? गुरु जी ने कौन सी सृष्टि का विस्तार किया? विष्णु भगवान पालन करते, गुरु जी कौन सा पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं? कैसे विष्णु हो सकते हैं? शिव जी संहार करते हैं, गुरुजी ने कौन सी संघर लीला कर दी? फिर क्यों कहा जा रहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर? हमको ऐसा लगता है, आप लोग अन्यथा न माने, कि गुरुजी ब्रह्मा नहीं, गुरुजी तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। गुरु विष्णु नहीं, गुरुजी तो विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। गुरु शिव नहीं, गुरुजी तो शिवजी से भी श्रेष्ठ हैं। आप लोग कहेंगे कैसे?
इस बात का अन्यथा आशय मत लेना। हम भगवत स्वरूपों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको छोटा सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पर इतनी बात हम प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि हमारे इस भाव को सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होंगे, वे रुष्ट नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं पर उनकी उत्पन्न की हुई सृष्टि नष्ट हो जाती है, तो उत्पत्ति का काम पक्का की कच्चा? सच्ची बात बताओ, उत्पन्न होकर नष्ट न हो तब तो काम पक्का, और उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है सृष्टि, इसका मतलब पक्का काम नहीं है, ब्रह्मा जी कच्चा काम है, बनाते हैं उधर बिगड़ जाती है सृष्टि। विष्णु भगवान पालन करते हैं पर उनका काम भी कच्चा है। कैसे कच्चा है? कितने लोग खाके मर जाते हैं और कितने भूखे मर जाते हैं। एक को इतना दे दिया कि खा के मर गया और एक भूखे ही मर गया। आज अखबारों में आता है भुखमरी में इतने लोग मर गए, आत्महत्या कर ली। कितने लोग ऐसे हैं माता जी जिनमें खाने की शक्ति बहुत है पर उनको खाने को नहीं, खाने की शक्ति बहुत है, खूब खा सकते खूब पचा सकते, उनके खाने की शक्ति नहीं। अब कुछ ऐसे हैं कि उनके पास बहुत कुछ खाने को है, जो चाहे सो खा सकते पी सकते, पर डॉक्टर कहता है कि ये खा लोगे तो मर जाओगे, उबला हुआ खाओ, मीठा मत खाना, नमक मत खाना, ये मत खाना, घी मत खाना, तेल मत खाना, मना कर देता है डॉक्टर। भगवान पालन सबका करते हैं पर ये पालन कर्म में विषमता क्यों? मंजी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं मलुकदास जी अपनी साखी में, साधुओं में बहुत प्रसिद्ध है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बाकू बेसुई दे। सब जीवों के कर्मों के अनुसार ठाकुर जी देते हैं। विष्णु के पालन करने के बाद भी लोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका काम भी कच्चा। शंकर जी का संहार का काम भी कच्चा, एक बार संहार कर दें फिर फांस कट जाए, द्वारा पैदा ही ना हो तो ठीक है, इधर नष्ट हो रहे हैं उधर पैदा हो रहे हैं। कितनी बार प्रलय और कितनी बार महाप्रलय कर चुके हैं भोले बाबा, फिर भी जनसंख्या वृद्धि समस्या बनी हुई है, उनका भी काम कच्चा है। अब गुरु जी के लिए विचार करो, गुरु जी ब्रह्मा क्यों हैं? बोले गुरु जी इस स्त्री पुरुष के संयोग से निर्मित रक्त मज्जा वसा मांस मेदा अस्थि शुक्र आदि सप्त धातुओं से विनिर्मित इस पांच भौतिक शरीर का निर्माण गुरु नहीं करते, पर एक दिव्य संस्कार में देह का निर्माण सद्गुरु करते हैं, और वो संस्कार में देह इतना दिव्य होता है माता जी कि वो उत्पन्न तो होता है फिर कभी नष्ट होता नहीं। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा से दूसरा जन्म माना जाता है,
श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। भगवान गुरु की शरण में हुआ ये दूसरा जन्म हो गया, संस्कार का दूसरा जन्म हो जाता है। हम हो या आप हो या अन्य कोई हो, जब तक सदगुरु पादाश्रय नहीं लिया था तब तक हम लोगों का ये स्वरूप था ये स्वरूप नहीं था। फिर सदगुरु कृपा पूर्वक हृदय रूपी खेत में जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य को आरोपित करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं, तो शिष्य के अंतकरण का न तो कभी ज्ञान नष्ट होता, न कभी वैराग्य नष्ट होता, न कभी उसकी भक्ति नष्ट होती है। उसका ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक जैसे सदा सर्वदा बने रहते हैं। इसलिए गुरुजी ब्रह्मा जी के रूप से जो काम करते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की सृष्टि का, वो काम कच्चा नहीं है, वो पक्का है। भगवान पालन करते हैं, भोजन सबको देते, फिर भूख लग जाती है, तृप्ति नहीं होती है, पर गुरुजी सत्संग देकर तत्वोपदेश करके ज्ञानोपदेश करके जो आत्मा को खुराक देते हैं और शिष्य के अंतःकरण का पोषण करते हैं, उस पुष्ट अंतःकरण वाले सत शिष्य को आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम बना देते हैं। फिर उसके मन में किसी लौकिक पारलौकिक वस्तु को पाने की चाह ही उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए गुरुर विष्णु हो। और जिन दोषों का, जिस अविद्या का, जिस अज्ञान का सद्गुरु भगवान संहार कर देते हैं, वो फिर द्वारा उत्पन्न नहीं होता। एक बार संहार कर देते फिर उत्पन्न नहीं होता। चलो तो ये तो बात समझ में आ गई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब साक्षात परब्रह्म क्या है? कहते हैं तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं, और कच्चा नहीं पक्का नहीं करते, कच्चा करते हैं, और गुरुजी अकेले तीनों काम पूरा पक्का करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे गुरुजी को प्रणाम। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सद्गुरु ही प्रत्यक्ष परब्रह्म है। शिष्य के मनोरथ सरकार बहुत ध्यान देकर के बात जो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं माताजी कि यदि गुरु चरणों में प्रीति है, निष्ठा है, और शिष्य गुरु सेवा परायण है, तो उसे समर्थ सद्गुरु से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्यक्ष जो उनके चरण कमलों की सेवा मिली है उससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? और जो सबसे बड़ी वस्तु मिली हुई है और फिर भी कुछ चाहता है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? फिर भी कथनचित शिष्य के मन में कोई मनोरथ उत्पन्न होता है तो उसे सद्गुरु से कहने की आवश्यकता नहीं कर पड़ती। सत शिष्य का कोई मनोरथ अधूरा रहता नहीं है, सब मनोरथ पूरे हो जाते। आप जो सोच लो वो हो जाए। अभी तो आप मना रहे हैं 7-8 दिन का उत्सव गुरु जी का, आप सोच लेते कि हमको साल भर का उत्सव मनाना है तो साल भर के उत्सव में भी उत्सव 21 ही बना रहता, कभी 18-19 नहीं होता। क्यों? शिष्य के भीतर कोई मनोरथ होवे और गुरुजी उसे पूरा न करें ये संभव नहीं है। शिष्य के संपूर्ण मनोरथ सद्गुरु की कृपा से बिना प्रार्थना किए, बिना मांगे, बिना कहे पूरे हो जाते हैं।
अब एक बड़ी विचित्र बात संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति कौन है और साधु सज्जन कौन है। तो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि जो गुरु की वंचना करते हैं वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं। वंचना जानते हैं? वंचना तो जानते कि नहीं? भोले भाले गुरु जी को ठग लेना, इसको वंचना कहते हैं। वो तो संत हैं, सरल हैं, बोले हैं, उनको ठग लेना, चतुराई से उनके सामने बहुत अच्छे अपने आप को प्रमाणित करते रहना, बने रहना, और वैसा भीतर में न होना, यह है ठगना। जो गुरु जी की वंचना करते हैं, गुरु जी को ठगने की बात सोचते हैं मन में और खुलकर कहें तो गुरु जी से दोहरा व्यवहार करते हैं, मनवाणी क्रिया से गुरु चरणों में एक रूप होकर नहीं रहते हैं, जो गुरु जी की वंचना करते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं जो गुरु तत्व की वंचना करते हैं। संत कौन है, साधु कौन है, सज्जन कौन है? वो जो गुरु तत्व का सम्मान करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, गुरु जी की वंचना नहीं करते, समर्पित भाव से सेवा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। अंत में ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे, यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि मेरा एकमात्र परिचय है, बहुत ध्यान देकर सुने, मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं गुरु का दास हूं, बस यही मेरा एक परिचय है। आप विचार कर सकते हैं। और देवनाथ जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जो गुरु हैं वो कौन है? संत श्री निवृत्तिनाथ, नाथ परंपरा के संत श्री निवृत्तिनाथ, उनके बड़े भाई भी हैं और उनके सदगुरु भी। ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं गुरु का दास हूं। बोले आप सिद्धावस्था के इस चरम शिखर पर विराजमान हैं, ये किस साधना के प्रभाव से? तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मैं तो गुरु को छोड़कर कोई साधना उपासना जानता ही नहीं, मेरा जप, मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरा साधन, मेरा साध्य, सब कुछ मेरे श्री गुरुदेव हैं, बस यही मैं जानता हूं, इसके अतिरिक्त में कुछ भी नहीं जानता। ये भाव हमने बता दिया, अब मूल अभंग हम बोल रहे हैं। सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, सद्गुरु बचो संसारी तारक, सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, नशे चिनिष्टंक आन श्रेणी, नशे चिनिष्टंक से निश्चंक
जो